हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो ई टेक 12 थ्री व्हीलर को। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इसकी नई कैश प्राइस क्या देखने को मिलेगी। अगर आपका बजट कम है और आपको कराना है इस गाड़ी को फाइनेंस पे, जैसे कम से कम डाउन पेमेंट क्या कर सकते हैं, लोन अमाउंट क्या होगी और महीने की ईएमआई क्या निकल के आएगी, ये सभी बातें आपको वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में। लोकेशन हमने यहाँ पर ली है न्यू दिल्ली की। एक्स शोरूम प्राइस आपको 360,000 रुपये से 370,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हमने आरटीओ इंश्योरेंस और अदर चार्ज को ऐड करने के बाद ऑन रोड प्राइस को निकाला है। ऑन रोड प्राइस आपको 380,000 रुपये से 390,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाती है। ऑन रोड प्राइस आपको हर स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो बात इस गाड़ी के कैश प्राइस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के प्लान के ऊपर। अगर आपका बजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 150,000 रुपये की, तो इसकी लोन अमाउंट आपको 230,000 रुपये निकल के आती है। अगर आप कराते कंपनियां बैंक से फाइनेंस और रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और लेते हैं टाइम अगले 5 साल इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी महीने की ईएमआई आपको 4,886 रुपये पर मंथ निकल के आती है। तो ये तो बात हुई हमारे पहले प्लान के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्लान जो हम लिए 6 साल के लिए। अगर आप कराते इस गाड़ी को फाइनेंस पे तो आपको इसकी पर मंथ की ईएमआई 4,260 रुपये पर मंथ निकल के आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बजाज मैक्सिमा एक्सल कार्गो के कैश प्राइस और फाइनेंस के प्लान की जानकारी दी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते किसी गाड़ी बाइक के बारे में जानना, कितने डाउन पेमेंट में जानना चाहते हैं, आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।